हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 3D लीडरशिप स्टाइल है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, जिसको हम 3D ग्रिड भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, बेसिकली देखते हैं कि 3D ग्रिड जो होती है वो क्या है, और इसको 3D लीडरशिप मॉडल्स भी बोलते हैं। इसको इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो 3D ग्रिड है, द रेडियंस 3D लीडरशिप मॉडल्स वॉज डेवलप्ड बाई विलियम जेम्स रेडिन। इसको किसने डेवलप किया था, जो 3D लीडरशिप मॉडल है, जो 3D ग्रिड भी बोलते हैं, इसको जो डेवलप किया था वो विलियम जेम्स रेडिन ने डेवलप किया था। ये आपको याद रखना है कि इसको आपको किसने डेवलप किया है, जो विलियम जेम्स रेडिन है उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। हु वॉज अ ब्रिटिश प्रोफेसर, एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे एंड मैनेजर हु डेवलप्ड वेरियस थ्योरीज ऑन सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। इन्होंने बेसिकली जो सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है उसमें बहुत सारी थ्योरीज को डेवलप किया था, एंड इम्पैक्ट ऑन इफिशेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशेंसी है उस पर क्या इम्पैक्ट है उस पर भी इन्होंने वर्क किया था। दिस आर्टिकल विल एक्सप्लेन इन अ क्लियर एंड प्रैक्टिकल वे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑन लीडरशिप इफेक्टिवनेस। ये बेसिकली क्या है, ये जो आर्टिकल है ये एक्सप्लेन करेगा बहुत क्लियर तरीके से और प्रैक्टिकल वे में, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है ऑन लीडरशिप इफेक्टिवनेस के ऊपर, उसको ये क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, जिसे हम बोलते हैं रेडिन 3D लीडरशिप मॉडल, आल्सो नोन एज रेडिन्स 3D theory is a model that is based on the manager being efficient in the variety of situations. ये जो basically model है वो किस पे based है, जो different situations की variety को ये depend करता है, that may arises in the organization, जो organization में arise होती है। His efficiency is measured by the fulfillment of goal in the adaptation of his style with the adaptation of the changes that arise. इसका बेसिकली इसकी जो एफिशिएंसी है वो किसको मेजर करती है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, राइट, कौन कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करना है और कौन कौन से चेंजेस करने हैं अडॉप्टेशन के लिए, उनको ये अराइज करता है, राइट। तो आप ये डायग्राम को देखिए, बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, लो एंड हाई नीचे दिया गया है टास्क ओरिएंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो चार क्वाड्रेंट हैं, 2x2 की फॉर्म में ग्रिड होती है, मैट्रिक्स है ये। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सेपरेटेड है, रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है और डेडिकेटेड है। यानी इंटीग्रेटेड कब होता है, डेडिकेटेड किस पोजिशन पर आता है, राइट, और रिलेटेड कब आता है एक लीडरशिप स्टाइल में, और सेपरेटेड कब आता है एक लीडरशिप स्टाइल में, आपको ये अच्छे से याद रखना है, राइट। तो देखते हैं बेसिकली कि वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो जो सेपरेटेड मैनेजर होते हैं, राइट, जो पहला यहाँ पर दिया गया, सेपरेटेड मैनेजर क्या होते हैं, इज द वन हु इज इंगेज इन करेक्टिंग डेविएशंस। ये किसमें इंगेज होते हैं, जो करेक्टिंग डेविएशंस है उसमें ये इंगेज होते हैं। ही इज अ पर्सन हु फॉर्मुलेट्स द रूल्स पॉलिसीज एंड इम्पोजेस दीज ऑन अदर्स। ये बेसिकली ऐसे मैनेजर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं या जो रूल्स हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं, और जो अदर पर्सन हैं उन पर ये इम्पोज करते हैं, राइट। तो उनको बेसिकली बोलते हैं सेपरेटेड मैनेजर। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इनके यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो TO है शॉर्ट फॉर्म में, TO यहाँ पे बहुत लो होता है सेपरेटेड मैनेजर की उसमें, और यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड जो ओरिएंटेशन होता है वो भी बहुत कम होता है। तो जो RO है और TO है वो बहुत कम कहाँ पे होता है, जो सेपरेटेड की फॉर्म में जो सेपरेटेड मैनेजर होते हैं वहाँ पर टास्क ओरिएंटेशन भी बहुत कम होता है,
और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है ये भी बहुत कम होता है। ओनली ये लोग फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, जो प्रोसीजर उनको फॉर्मुलेट करना है, और उन्हीं पॉलिसीज को उन्हीं रूल्स को ये अदर पर्सन पर इम्पोज करते हैं। तो बेसिकली इनका ये वर्क होता है। इसके बाद आता है रिलेटेड मैनेजर्स। तो जो रिलेटेड मैनेजर होते हैं वो कौन होते हैं उसको देखते हैं। इज़ अ वन हु लाइक्स टू वर्क विद अदर्स, ये दूसरों के साथ वर्क काम करना पसंद करते हैं। एंड सी इन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सोशल सिस्टम, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सोशल सिस्टम को ये देखते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वेयर एवरी वन वर्क टुगेदर। ये बेसिकली किस पर फोकस करते हैं, एक सोशल सिस्टम है, एक जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट। जहाँ पर प्रत्येक जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, सारे कलीग, सारे सबॉर्डिनेट्स एक मिलकर वर्क करते हैं, उस पर बेसिकली ये फोकस करते हैं। ही डजेंट वरी अबाउट द टाइम, टाइम के रिगार्डिंग कोई वरी नहीं होती है। एंड एक्सेप्ट अदर एज दे आर एंड डोंट ट्राई टू चेंज देम। और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये इनको टाइम से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि टेंशन नहीं लेते हैं, और ये चेंज उनको चेंज करने में भी ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। तो इन ये कैसे मैनेजर्स होते हैं, ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो रिलेटेड मैनेजर्स बोला जाता है। इसको डायग्राम में देखते हैं। रिलेटेड में बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर जो आर ओ है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये ओनली जो रिलेशनशिप है वो ही मेंटेन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होते हैं बहुत ज़्यादा, और रिलेशंस को मेंटेन करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर इनको जो टास्क वगैरह होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एक टास्क ओरिएंटेड नहीं होते हैं ये। इसके बाद जो आता है डेडिकेटेड मैनेजर। डेडिकेटेड मैनेजर नाम से बहुत क्लियर है कि बहुत ही डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं। डेडिकेटेड मैनेजर इज द वन हु इज टास्क ओरिएंटेड, ये बेसिकली टास्क ओरिएंटेड होते हैं, जबकि जो रिलेटेड मैनेजर्स थे वो टास्क ओरिएंटेड नहीं थे। वो क्या ओरिएंटेड थे, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड थे। और जो डेडिकेटेड जो मैनेजर होते हैं आपको याद रखना है, ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं एंड इज ओनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन, और ये हमेशा जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बहुत कंसर्न होते हैं। ही डजेंट लाइक टू मिस अप विद द सबॉर्डिनेट्स एंड कैन नॉट वर्क विदाउट पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबॉर्डिनेट के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, और जो वर्क होता है वो विदाउट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वर्क नहीं कर सकते हैं, इनका ऐसा मानना होता है। इनको कहते हैं हम डेडिकेटेड मैनेजर। जबकि जो रिलेटेड मैनेजर्स थे वो क्या करते हैं, वो ओनली जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन था उनके अंदर ओरिएंटेड थे, वो ज़्यादा अपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते थे और उनको काफ़ी स्पेस देते थे, राइट। और एक अच्छा जो सबॉर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। बट जो डेडिकेटेड मैनेजर होते हैं ये ओनली टास्क ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें ज़्यादा उससे मतलब नहीं होता कि फ्रेंड सर्कल बनाना है, बहुत ज़्यादा रिलेशंस क्रिएट करने हैं, ये इसमें बिलीव नहीं करते हैं। ये बहुत टास्क ओरिएंटेड होते हैं और सीधे जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ कंसर्न होते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि जो पावर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं कर सकते, इनका ऐसा मानना होता है। जो लास्ट आता है इंटीग्रेटेड मैनेजर। इंटीग्रेशन से ही लग रहा कि कोई ऐसा ज्वाइनिंग है, कोई जुड़ा हुआ कुछ है, बहुत ही इंटीग्रेटेड इनके अंदर बहुत जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजर्स इज वन हु मिक्सअप विद द सबॉर्डिनेट्स, इस सबॉर्डिनेट से मिक्सअप करते हैं एंड फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन, और जो टू वे कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट करते हैं। हिज मेजर एम्फेसिस इन ऑन बिल्डिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ऐसे जो एम्फेसाइज करते हैं बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप होती है, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क को बिल्डअप करने के लिए, और बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी ये डेवलप करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छा टू वे जो कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें देखते हैं अब इंटीग्रेटेड कहाँ आता है। देखिए इस डायग्राम से बहुत क्लियर हो रहा है, ये बेसिकली टास्क ओरिएंटेड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई जाता है यहाँ पे, और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है यह भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि जो थ्री डायमेंशनल ग्रिड है तो वो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर टास्क ओरिएंटेशन हाई होता है और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी हाई होता है, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आपको याद बताऊँ कि वो उसे हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि टास्क ओरिएंटेड या जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है किस क्वाड्रेंट में सबसे कम होता है, राइट। तो वहाँ जो सेपरेटेड होते हैं वहाँ पर कम होता है, ये आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो जो बेसिक स्टाइल के हमने पढ़े थे सेपरेटेड,
और रिलेटेड डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड। अब इन्हीं के बिहा पे आठ और स्टाइल हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेस इफेक्टिव मैनेजरियल स्टाइल और मोर इफेक्टिव मैनेजरियल स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन जो लेस इफेक्टिव होते हैं कौन कौन से आते हैं, डिजर्टर हो गया राइट, मिशनरीज हो गए, मिशनरी हो गया, ऑटोक्रेट हो गए, कंप्रोमाइजर हो गए, ये बेसिकली जो चार है ये किस में आते हैं, एक लेस इफेक्टिव मैनेजरियल स्टाइल होता है यानी बहुत ही कम, एक जो लीडरशिप स्टाइल है बहुत कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि डिजर्टर होते हैं, क्लियर हो रहा है इसी से ही, मिशनरी होते हैं राइट, ऑटोक्रेट होते हैं वो ही अपने आप ज़्यादा सब चीज़ अपने आप करना, कंप्रोमाइजर, जबकि जो अनदर साइड आप जाते हो वहाँ पर मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल में कौन कौन से आते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक राइट, डेवलपर, बेनिबुलेंट ऑटोक्रेट। बेनिबुलेंट ऑटोक्रेट में क्या होता है कि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनको काफ़ी स्पेस दिया जाता है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और जो मैनेजर है जो उनको जो लीडर है उसमें थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है। और ऐसे ही जो लास्ट आता है वो एग्जीक्यूटिव आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि लेस इफेक्टिव जो मैनेजरियल स्टाइल है वो कौन कौन से हैं या मोर इफेक्टिव मैनेजरियल स्टाइल कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस राइट। ऐसे ही इसमें देख सकते हैं कि दिया भी है आगे, वो डिस्कस भी करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है, तो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल किस में आता है, जहाँ पे मोर इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होता है, फोकसेस ओनली ऑन इफिशेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा इफिशेंसी फोकस करते हैं, मैनेजर क्लोजली ऑब्जर्व द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन अडॉप्टेड कंपनी एंड एक्ट्स ओनली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अडॉप्टेड रूल्स, ही साउंड हिमसेल्फ विद एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन वेयर एफिशिएंसी इज हार्डली मेजरेबल। तो ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, बहुत ही हाईली इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होता है, एज ए मिशनरी होता है, मिशनरी एक लेस इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होता है, डेवलपर स्टाइल ये भी एक मोस्ट हाई इफेक्टिव, देखिए डेवलपर बेसिकली क्या होता है, मैनेजर्स फोकस ऑन हाई इफेक्टिवनेस एंड गुड कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल, तो इसके मतलब ये एक मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल हो गया। ही बिलीव्स डेट द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज कंडूसिव टू इफिशेंसी एंड डेवलपिंग स्किल्स ऑफ द पीपल राइट। ऐसे ही होता ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक नाम से क्लियर हो रहा कि जहाँ पर लेस मैनेजरियल स्टाइल होगा या मैनेजमेंट स्टाइल होगा, इज कैरेक्टराइज बाई हाई कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड इफिशेंसी एंड लिटिल फोकस ऑन पीपल, ये जो पीपल पर कम फोकस करते हैं पर जो प्रोडक्शन एंड जो इफिशेंसी है उसके रिगार्डिंग हाई कंसर्न होता है इनका, एक बार इसको आप रीड आउट कर लेना। ऐसे बेनेवोलेंट आता है, तो बेनेवोलेंट बेसिकली जो हाई लीडरशिप स्टाइल में होता है, ऐसे कंप्रोमाइज जो लेस में आता है, एग्जीक्यूटिव हाई में जाएगा, तो इनको आप एक बार अच्छे से याद कर सकते हैं राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। तो गाइज चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ऑडियो जंगल।